ये जी कोशिश उन्होंने हर एक पोलिंग स्टेशन पे की है, कोशिश अब बोलूं, हर पोलिंग स्टेशन पे, हर कैंडिडेट पे, किसी को लाइफ थ्रेट दी है, किसी को इलेक्शन थ्रेट दिया है, किसी से चोरी की है। ये मत समझे कि कोई भी एक सीट अगर हम जीते हैं वो हम आसानी से, मैं खुद गवाही दे सकती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीड 60,000 की थी मेरे हल्के में, और उसमें भी ऑर्डर आया था कि इसको रिवर्स करें। अब 20,000 में और 80,000 में 60,000 का वोट आप कैसे भरेंगे? इस तरह तैमूर भाई ने कहा कि बोरियां कहाँ से आती और कहाँ चली जाती हैं। तो ये प्लीज जरूर याद रखिएगा कि ये वारदात पाकिस्तान के हर एक पीटीआई ने जो खड़ा किया था कैंडिडेट, ये तमाम पे हुआ है। लेकिन क्योंकि अवाम इस तादाद में निकली है, हमारे वर्कर्स ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि ये लोग जंग पाकिस्तान की अवाम से छेड़ रहे हैं। ये जो स्टेबल पे बैठे हैं, हम तो उनके नुमाइंदे हैं सिर्फ। यहाँ पे हमारी जगह खंबा भी खड़ा होता तो उसको ये वोट पड़ना था। ये इनको समझ नहीं आ रही, क्यों बांग्लादेश की एग्जांपल्स रिपीट करना चाह रहे हैं? एक इलेक्शन से हमारा पाकिस्तान आधा हो गया था। तो ये आप प्लीज, आपकी तवज्जो से सारे पाकिस्तान को ये पहुंचना चाहिए कि ये डाका डाला उन्होंने पाकिस्तान के लोगों की विरासत पे, हमारी जाति क्या फर्क पड़ता है? हम तो खान साहब के सिपाही हैं, कहीं ना कहीं हमें फिट कर देगा, किसी को एस ए पी एम बना देगा, किसी को क्या बना देगा, लेकिन ये जो कर रहे हैं ये अवाम के साथ कर रहे हैं। शुक्रिया।